गाइस ये है हमारा वैक्यूम चैम्बर। आप में से जिन भी लोगों को नहीं पता ये किस तरीके से काम करता है तो भाई मैं बता दूं, इसके अंदर हम देख सकते हैं चीजें वैक्यूम या अंतरिक्ष में किस तरीके से काम करेगी। तो भाई सिंपली जो है उन चीजों को हमें इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर सिर्फ डालना है और इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बहुत खतरनाक वाला। गाइज अब जो है भाई हम इन सभी पटाखों को जो है ना वैक्यूम चैम्बर के अंदर चलान वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके पीछे की हल्की सी साइंस के बारे में जानना होगा। यहाँ पर जो है बेसिकली किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें जो है दो चीजों की जरूरत पड़ती है, फ्यूल और ऑक्सीजन। उसी की मदद से जो है कोई भी चीज जल पाती है। लेकिन इस वैक्यूम मोटर की मदद से चैम्बर के अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है और इस चैम्बर के अंदर बनता है बहुत ही तगड़ा वैक्यूम। अब वैक्यूम के अंदर बिना ऑक्सीजन के चीजों को जलाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये कैसे काम करेगा? पटाखों के पीछे की साइंस अलग है। यहाँ पर जो इनके फ्यूल के साथ ही ऑक्सीडाइजर मिक्स है जिसकी मदद से बाहर से बिना ऑक्सीजन लिए भी वैक्यूम चैम्बर के अंदर जल सकते हैं। गाइस सबसे पहले ट्राई करेंगे हम बिजली या बीडी पंप में तक कोई सा एक ट्राई करेंगे। सबसे पहले वैक्यूम चैम्बर के अंदर सूतली अभी ट्राई ना करें क्योंकि पता चला पहली बारी में जो है वैक्यूम चैम्बर ब्लास्ट हो जावे। तो सबसे पहले जो है बीडी पंप ट्राई कर रहे हैं। भाई जिन्होंने ना पता बीडी पंप कैसे रहे तो भाई देख लो बीडी पंप कैसे रहे। वो जलका यहाँ पे जो है भाई बीडी पंप हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया और भाई इसके अंदर जो है हमने ढेर सारी बीन्स बॉल डाल दी। इनते जो है जब बीडी पंप फटेगा तो उसके इंपैक्ट का जो है वैक्यूम चैम्बर के अंदर साफ साफ पता चल जाएगा। और अब जो है यहाँ पे ये दो वायर आ रहे हैं ना ये कनेक्ट करने हैं, फिर यहाँ पे जो है करंट आओगे और बीडी पंप ब्लास्ट हो जाओगे ना। ये तो हमने अभी पता चलेगा ना। 1 2 3 ओए यार यो तो सिर्फ वो हुआ ना जल पा रहा भाई बीडी बम हमारा जो है वैक्यूम चैम्बर के अंदर बीडी बम बिल्कुल भी ना जल पा रहा। हमने जो है बहुत बार ट्राई कर लिया। गाइस अब जो है भाई एक बार बिना वैक्यूम के ट्राई कर रहे हैं। ओ फूट गया भाई साहब। भाई जब हमने नॉर्मली चला कर देखा तो बीडी बम फूट रहा है लेकिन वैक्यूम चैम्बर के अंदर काम ही ना कर रहा। तो बीडी बम जो है वैक्यूम में काम ना कर रहा, मतलब अंतरिक्ष में जो है हम बीडी बम ना जला सका। भाई जब जो है इन बिजली बम को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर जलाओगे तो भाई उससे पहले इनका फ्यूज निकालना पड़ेगा क्योंकि फ्यूज के अंदर जो है बहुत ही कम ऑक्सीडाइजर है तो शायद ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर ना जले। इसके अंदर जो है डायरेक्ट वायर डाल देंगे फिर यो जल सके। अब जो है भाई वैक्यूम भी बनना स्टार्ट होगा। बिजली बम भी हमने यहाँ पे लगा दिया। गाइस यहाँ पे जो है अब की बार फटा है बिजली बम लेकिन बहुत मंदी आवाज आई है, बहुत ज्यादा मंदी। अब जो है नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं। अब जो है भाई इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर तो ये सारे के सारे फोम निकाल रहे हैं क्योंकि अब चलाऊंगे भाई ये हेलीकॉप्टर वाले पटाखे। ये जो है ना भाई साहब सच में बहुत कमाल की चीज है। ये पटाखा दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला भाई रॉकेट मोटर के थ्रस्ट की मदद से ये कुछ ऐसे गोल गोल घूमेगा और दूसरा पंखड़ी और हवा की मदद से इसे एयरलिफ्ट मिलेगी जिससे कि ये हवा में उड़ जाएगा। लेकिन भाई साहब वैक्यूम चैम्बर के अंदर तो हवा है ही नहीं। हमने जो उसके अंदर अपने ड्रोन को उड़ाकर देखा था भाई सिर्फ पंखड़ी पंखड़ी घूम रही थी। बहुत कोशिश की थी फिर भी हल्का सा भी नहीं उड़ा ड्रोन। तो भाई साहब देखते हैं अब ये पटाखा जो है वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर उड़ पाएगा या फिर नहीं। भाई वैक्यूम चैम्बर के चारों ओर हमने जो है गिलास भी लगा दिए क्योंकि वैक्यूम चैम्बर बहुत ज्यादा महंगा है और पटाखे तो जो है ये साइड की लेयर जल सके इसलिए गिलास टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो है सब कुछ सेट है, फ्यूज तक कनेक्ट कर दिया। अब जो है फटाफट इसके अंदर वैक्यूम बना रहे हैं। 3 2 1 तोड़ दिया भाई साहब। यहाँ पे देखो कांच तोड़ दिया। फ्यूल में जो है ऑक्सीडाइजर था तो उसने अपना प्रॉपर काम किया और यहाँ पे जो है पूरे के अंदर धुआं ही धुआं होगा। अब देखना पूरी वैक्यूम चैम्बर की बाउंड्री जो है पूरी व्हाइट होगी। भाई मैंने ऐसा लग रहा है आधा फ्यूल जो है जलाना है बाहर निकलगा। हेलीकॉप्टर जो है बहुत देर तक चलेगा लेकिन इसमें तो जो है सिर्फ 1 सेकंड जलाओगे और एकदम बूम एकदम में जलगा सारा फ्यूल। अब जो है इस वैक्यूम चैम्बर ने साफ करके इसके अंदर जलाऊंगे ये रॉकेट को। भाई साहब हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया कि ये फ्रीली जो है ऊपर नीचे हो सके। तो भाई यहाँ पे जो है दो केस हो सके। एक तो ये है कि हेलीकॉप्टर पटाखे की तरह इसका फ्यूल एकदम जल के ये जो है ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा है जब इसका फ्यूल जलेगा तो इसमें जो है इतना ज्यादा धुआं निकलेगा वैक्यूम तो खत्म होगा ही, साथ ही शायद ये ढक्कन एकदम खुल जाओ और सारा धुआं बाहर निकले। इसलिए यहाँ पे जो इसका ढक्कन है वो ऐसे बंद ना किया हमने, जो है खुला छोड़ दिया कि वो जो है आसानी से खुल जाओ वरना वैक्यूम चैम्बर ही फट जाओगा। भाई बहुत देर तक जल रहे हो तो
गाइस फाइनली यहाँ पे जो है रॉकेट ने बिल्कुल बढ़िया जरिया काम करा है। यहाँ पे जो है रॉकेट साफ साफ दिख रहा था, इसके अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा था। प्रेशर अभी भी जो है बहुत थोड़ा ही बढ़ा है। वैक्यूम चैम्बर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी होगी। और भाई अंदर तो देख लो तरीके पूरा का पूरा काला होगा वैक्यूम चैम्बर। ये रॉकेट पूरा का पूरा मस्त तरीके से जला है। यहाँ पे देखो भाई इसके ये बच रहे, इसके अंदर अभी भी ये है, मतलब ये अभी तक ना जले है, क्योंकि जितना ऑक्सीडाइजर होगा उतना तो जो है फ्यूल जल जाओगा, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजर की कमी पड़गी तो वो फ्यूल जो है ना जले बिल्कुल वैक्यूम चैम्बर के अंदर। बाहर होता तो ऑक्सीजन मिलती और वो जल जाता। लेकिन अब इसके अंदर हम सूतली पटाखा चलाने वाले, इसकी आवाज बहुत तगड़ी रहे। और अब देखें भाई वैक्यूम चैम्बर का क्या हाल होगा। कांच तो 100% टूटेंगे। और भाई वैक्यूम चैम्बर भी वैसे बहुत मजबूत है, देखो कितनी मोटी लेयर है इसकी। और अब जो इसके अंदर वैक्यूम बना रहे हैं और इसने उड़ा रहे हैं। चलो भाई साहब एकदम फ्लैश की तरह जला भाई वो पटाखा। जैसे नॉर्मली बहुत तेज पटाखा जला ना वैसे ना जला, क्योंकि भाई वो जो है वैक्यूम के अंदर था, वैक्यूम के अंदर जो है साउंड भी ट्रैवल ना करती, तो इसलिए आवाज भी जो है इसकी बस पट आवाज आई है। और देखो पूरा वैक्यूम चैम्बर जो है हरा कर दिया भाई। टेम्परेचर तो जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि ये जो बॉल है ना वो सारी धुआं भी निकल रहा है, ये जो बॉल है वो सारी की सारी पिघला दी। चलो भाई फाइनली अपना वैक्यूम चैम्बर तो बच गया, क्योंकि तुम्हें और भी तो मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट दिखाने हैं वैक्यूम चैम्बर के साथ। अगर तुम इस वीडियो पे 50K लाइक करते हो तो भाई साहब हम जो इस बड़े वाले स्काई शॉट को इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर ब्लास्ट कर देंगे। चलो तो फिर मिलते हैं और भी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।